हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सूरज और मैं आज आपके बीच पुनः लेकर आया हूँ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको मैं बारी बारी से समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं स्लाइड में। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया को इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। आप अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको समझ में आए। संयोजन अभिक्रिया, किसी संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे यानी उदाहरण के रूप में, जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसमें केवल एक पदार्थ का निर्माण होता है, अतः संयोजन है। वियोजन अभिक्रिया, किसी वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं। जब फेरस सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में रखकर गर्म किया जाता है तो ये विघटित होते हैं और फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। चूँकि इसमें एक पदार्थ वियोजित हुआ है तथा तीन अलग अलग पदार्थों का निर्माण हुआ है, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। ये याद रखेंगे, जब बहुत सारे पदार्थ यानी कि अभिकारक मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया, और जब एक पदार्थ टूटकर अलग अलग पदार्थों में विघटित हो जाता है या अवघटित हो जाता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु, मतलब यहाँ पर एक अधिक प्रतिक्रिया या क्रियाशील धातु भी रह सकता था, इसलिए मैं एक बार रुक गया। प्रतिक्रियाशील धातु किसी साल्ट से एक कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित करता है, मतलब एक अधिक और एक कम अभिक्रियाशील धातु में जब अभिक्रिया होता है तो कम वाले को विस्थापित कर अधिक वाला स्थान ग्रहण करता है। CuSO4 के विलयन में Fe उसे विस्थापित करके FeSO4 बनाता है और Cu विस्थापित होता है। द्विविस्थापन में क्या होता है कि दो यौगिकों के बीच आयनों का अदला बदली होता है, अर्थात इसमें आयन एक दूसरे का स्थान अदल बदल लेते हैं, जिसे उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि सल्फेट और क्लोराइड जो आयन हैं वो दोनों अदल बदल कर अपनी अभिक्रिया को यहाँ पर दिखा रहा है। सल्फेट जहाँ सोडियम के साथ था वो हटकर बेरियम के साथ चला जाता है और जो क्लोराइड जो है वह सोडियम के साथ आ जाता है। इस अभिक्रिया से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का अदला बदली होता है। दोस्तों, इस वीडियो को आपको अगर समझ में ना आए तो एक बार अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा इसे देखने का ज़रूर प्रयास करेंगे, तब तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। एक बार में अगर नहीं आया तो दोबारा देखें। दोस्तों, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। अगर कोई भी आपका सजेशन या अन्य वीडियो का सुझाव हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।